I would like to invite our next chief speaker, Professor Dhananjay Kumar, Department of Psychology, Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, Gorakhpur. He has a vast teaching and research experience of more than 21 years with the areas of specialization in intergroup relations and social cognition, health counseling, and clinical psychology. He delivered more than 55 invited lectures as a resource person. He organized 5 seminars and attended more than 20 training programs and workshops. He supervised 8 PhD theses, 5 MPhil, and 83 MA dissertations. More than 40 conferences and seminars are being participated and presented by him. 30 research papers, articles, chapters are published in various books, national and international journals. He was ex-member of Executive Council, Academic Council, ex-member of Examination Committee, and member of Athletic Committee Association of DDU Gorakhpur University. He was also a president of Manovigyan Parishad, Department of Psychology, DDU Gorakhpur University, and also as an assistant coordinator of IGNU Study Center at DDU Gorakhpur University. Now, I welcome Professor Dhananjay Kumar to deliver his talk on mental health issues during lockdown, trauma, and distress reactions. Sir, please take over, sir. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. First of all, I would like to thank this organizing committee to invite me as a guest speaker. And I also want to express my heartiest thanks to the organization related to Ashutosh Srivastavji and his team, Vasanta College. और मैं इसके पास के जो भी हमारे वक्ता थे मैडम बत्रा जी अखाना सर अभी हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर सत्यगोपाल जी बोल रहे थे बात के वक्ताओं की एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पहले ही बातचीत हो चुकी रहती है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बहुत ही ओरिजिनल थॉट प्रोवोकिंग सेशन यहाँ आप लोगों के साथ व्यतीत करूं और अपने जो आइडियाज हैं मैं शेयर करूं। मैं सबसे पहले ये बता देना चाहूंगा कि मेरे जो आइडियाज हैं मैं ये मान के चल रहा था कि यहाँ पे यंग साइंटिस्ट होंगे साइकोलॉजी के डिसिप्लिन से जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं या जो अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा और जो और लोग जो फेसबुक पे अदर मीडिया पे जो हम लोग को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे वो भी इससे बेनिफिटेड होंगे। और इसके साथ मैं शुरू करूंगा अपनी बातें। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले इसके पहले एक वेबिनार में मैं था और मैं वहां का एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको मैं लूंगा। अभी जितने भी हमारे वरिष्ठ वक्ता थे सबकी बातें मैं सुन रहा था तमाम और भी दूसरे एक्सपीरियंसेस से जहाँ मैं ये सारी बातें सुन रहा था या सुनता रहता हूँ चीज़ें आती हैं और सभी ने बहुत अच्छा अपनी बातें बहुत अच्छी कही और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। लेकिन फिर भी मैंने जब अपनी सारी बातें ख़त्म की और जब क्वेरी सेशंस स्टार्ट हुए तो उसमें से एक बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन मेरे सामने आया जिसका जवाब मैं उस समय ठीक से दे नहीं पाया। मैं समझता हूँ कि इस वेबिनार के बाद भी हम लोग उस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढेंगे मिल के क्योंकि अभी वो ऐसा नहीं है कि उसको इतनी आसानी से हम उसका जवाब दे सकते हैं। उसने पूछा कि सर सब ठीक है अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही सभी लोगों ने कहा कि हमको जरूर ऐसा करना चाहिए हमको जरूर वैसा करना चाहिए लेकिन मेरा एक सवाल है और वो ये है कि हो नहीं पाता। हम सोचते बहुत हैं बहुत सारी चीजें हमने सुनी और जब हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो इस समय पूरा सिनेरियो है उसमें ये सारी चीजें हमारा जो इंटरनल रिसोर्स है जो हमारा साइके है ये हमको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये हो नहीं पा रहा है। क्या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है? हमने कहा कि इमिडिएटली इस समय मेरे लिए कुछ भी कहना ऐसा संभव नहीं है मैं इस पर सोचूंगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने भी छोड़ जा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो यंग साइंटिस्ट हैं या जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया हूँ लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढे जाने की जरूरत है कि ये सवाल क्यों आया। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि मैं अगले कुछ मिनट में इन्हीं पर बोलने जा रहा हूँ और मैं पूरा फोकस करूंगा इस बात पे कि
जो रिसर्चेज हुए हैं वो हमको सजेस्ट क्या कर रहे हैं, और आने वाले समय में आखिर कौन सी चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। मैं थोड़ा आगे देखने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इसको दो भागों में बांटा है। मेनली मेरे इस डिलीवरी का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं, जो यंग हमारे जो लोग हैं जो इस डिसिप्लिन में आने की कोशिश कर रहे हैं, आ चुके हैं और अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए कुछ चीजें यहाँ हूँ। आप देखें कि मैं जितने भी मैंने सर्वे किया इंटरनेशनली नेशनली डिफरेंट साइट से, कंटिन्यूअसली जो हमारे प्रीवियस के जो भी हमारे डिलीवरीज हुई हैं वो सब चीजें सच हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी सत्यगोपाल भैया ने हमारे लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म स्थापित कर दिया है। आप देखें एंगर, इरिटेशन और उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन, ये तीन चीजें तो कंटिन्यूअसली मैंने जिस भी पेपर में मैंने देखा, तो जो इनिशियल जो फर्स्ट लॉकडाउन का सेशन था, कंटिन्यूअसली ये तीन चीजें दिखाई देने शुरू हो गई। करीब 10 से 12 दिनों के बाद ये सारी चीजें रिपोर्ट होने लगी जब लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। और इस दौरान हम लोगों ने, आपको मालूम होगा, गोरखपुर यूनिवर्सिटी रिसर्च टीम में जिसमें प्रोफेसर अनुभूति दुबे भी हमारी टीम में है, मेनली वही है, मैं उनकी टीम का हिस्सा था, और हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ने एक फर्स्ट लॉकडाउन में, अभी हम लोग कंटिन्यूअसली उसको कर रहे हैं, और अभी दूसरे फेजेज में हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा अभी हम लोगों ने एनालाइज नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उसमें जो हम लोगों ने पाया वो ये था कि वहां से आगे बढ़ के जब हम लोग एंगर और स्ट्रेस से थोड़ा सा एंगर और इरिटेशन से आगे बढ़े, तो उसके बाद कुछ सीवियर सिम्टम्स मैनिफेस्टेड होने लगे, और वो जो सीवियर सिम्टम्स थे मैं वहां पे आना चाहूंगा, क्योंकि फिर वो तब तीन चीजें जिनके बारे में बात करना चाहूंगा। एक है पैनिक अटैक, पैनिक अटैक को पर्टिकुलरली मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। दूसरा जिस पर मैं बात करूंगा वो है एंग्जाइटी के जो मैनिफेस्टेशन हैं, हालांकि पैनिक खुद भी एंग्जाइटी का मैनिफेस्टेशन है, लेकिन फिर भी मैं पैनिक को अलग से डील करूंगा। और फिर डिप्रेशन, और सबसे अंत में मैं स्ट्रेस पे आऊंगा। इन चार चीजें ये जो है कंटिन्यूअसली ये चार चीजें मैंने देखी सभी रिव्यूज में। पैनिक ही क्यों, ये सोचने की बात है। एक और वेबिनार में ये बात सामने आई कि आखिर ये जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी बात अभी हम सब लोग कर रहे हैं, ये सभी लड़ाइयां जो भी हम लड़ रहे हैं इसमें जीतेगा कौन? आप अगर कंट्री के लेवल पे बात करें, आप अगर ग्रुप के लेवल पे बात करें, आप इतनी सिटी रेस या आप डिफरेंट ग्रुप्स की बात करें या इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, तो इसमें जीतेगा कौन? तो जो एक पॉइंटिंग थी वो ये है कि इसमें वही जीतेगा जो मेंटली स्ट्रांग होगा। ये बैटल हम केवल इकोनॉमिकल फ्रंट पे नहीं लड़ रहे हैं, ये बैटल हम केवल हेल्थ पर्टिकुलरली फिजिकल हेल्थ के फ्रंट पे हम नहीं लड़ रहे हैं, ये बैटल हम एक्चुअली अब ये वहां के डोमेन से निकल करके अब ये एक साइकोलॉजिकल बैटल हो गया है, और इसमें वही सरवाइव करेगा वही ग्रुप, वही इथनिक ग्रुप, वही कल्चर, वही रेस, वही कंट्री, और वो इंडिविजुअल जो साइकोलॉजिकली अपने आप को ठीक रखेंगे। ये बैटल अब साइकोलॉजिकल ज्यादा है, इकोनॉमिकल फ्रंट पे तो कोई भी उसमें तो कोई दो राय नहीं है, गवर्नमेंट लड़ रही है, वो हमारे बस में है भी नहीं। अगर हम दूसरे डिसिप्लिन की बात करें तो इस समय अगर किसी भी साइंटिफिक एंडेवर की हम बात करें तो इसमें सोशल साइंसेस की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, तो सोशल साइंसेस में सोशियोलॉजी भी कुछ काम कर रहा है, लेकिन साइकोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो जबरदस्त आने वाले दिनों में होने जा रहा है, जैसा कि हमारे सत्यगोपाल भैया ने कहा। तो मैं पैनिक पे क्यों अटका हुआ हूँ, मैं पैनिक पे इसलिए अटका हुआ हूँ क्योंकि अब ये मामला जो है, आप देखें कि पैनिक अटैक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है फाइट और फ्लाइट। आप देखें हमारे रिस्पॉन्सेस होते हैं जब भी हम किसी इस तरह के खतरे में होते हैं, डेंजर को परसीव करते हैं, जहां से एंग्जाइटी की शुरुआत होती है, तो हमारे जो रिएक्शन हैं वो फाइट और फ्लाइट, ये दो होते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हमारे पास फ्लाइट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वी आर कंटिन्यूअसली फाइटिंग और अनसीन आप कह सकते हैं कि यह फियर नहीं है। हम कहें कि केवल फियर ऐसा है, भाई हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज है जो फियरफुल है और हमें जो है वो फाइट हमें करना है, तो एक ऐसा अनसीन फोर्स है जिसको हम जानते भी नहीं कि वो कब हमारे सामने होगा जिससे हमको लड़ना होगा। बहुत ही स्पेशल चीज है ये, बहुत खास चीज है जिसको मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें हम अपने दुश्मन के बारे में जान ही नहीं रहे वो कब हमारे सामने होगा। भाई अगर मान लीजिए आप बाजार में निकलते हैं और अगर एक ऐसा
बिगड़ा हुआ कुत्ता हो जो आप देख रहे हैं कि वो आपके सामने है और आपको अटैक कर सकता है, तो आप डरते हैं और एंगजाइटी आपको होगी, लेकिन आप सड़क पे हैं, आप बाजार में हैं, आप अपने परिवार में हैं और आप देख रहे हैं कि वो हमारा जो दुश्मन है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कब हम पर अटैक करेगा, किस तरह से करेगा, और हम उससे लड़ रहे हैं, तो हम एक ऐसे कोने में कर दिए गए हैं जहां हम कंटिन्यूअसली फाइट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं, हमारे जो साइकोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, और ये साइकोलॉजिकल रिसोर्सेस फाइनली यहाँ पे जो GAS का मॉडल है वहां पे आएगा, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, ये अब हमारे साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज जब चुकेंगे तो फिर फिजिकल लेवल पे हम उसकी कीमत चुकाएंगे। एक्चुअली आप देखेंगे जब हम फाइट मोड में होते हैं तो हम कंटिन्यूअसली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड होता है और हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेटेड होता है, और यही ये बड़ा लिंक है जहां से हम डायरेक्टली चलेंगे सीधे क्रॉनिक डिजीज पर। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, बाद में बात करूंगा, लेकिन बीच में मैं ये खास चीज ये बताऊं कि जो एंग्जायटी जब हम इस तरह से फाइट और फ्लाइट मोड में है, पर्टिकुलरली फाइट मोड में जैसा मैं बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी जो है ये, तो आप देखें कि एंग्जायटी में एक भी एक बड़ा खास फैक्टर है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। ठीक है साहब, एंग्जायटी होती है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परसीव्ड कंट्रोल। आप इस पर ध्यान देंगे, जो हमारा परसीव्ड कंट्रोल है वो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और हम सभी साइकोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा जब परसीव कंट्रोल जब हम कंप्रोमाइज करते हैं तो नॉर्मल लोगों के भी एंग्जाइटी बढ़ती है, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, जो पहले से डायग्नोस केस हैं एंग्जाइटी के, या जिनमें माइल्ड लेवल की एंग्जाइटी रहती होगी, अभी तक डायग्नोसिस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनका क्या होगा? ये एक दूसरा फैक्टर है जो यहाँ पे है। परसीव्ड कंट्रोल के लेवल पे अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी सत्यगोपाल भैया ने बताया, आप देखें नौकरी चली गई, हमारे पास खाने को नहीं है, बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, और हम सड़क पे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे माता पिता भी हैं, कोई बच्ची अपने पिता को ढोके ला रही है, कोई पति अपने गर्भवती पत्नी को ला रहा है, बच्चे, आप देखिए कि सड़क पे लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर है, आप कूलर में और पंखे में बैठ कर यहाँ वेबिनार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो लाखों लोग सड़क पे हैं उनके टेंशन के बारे में आप सोचिए, तो उनका जो परसीव कंट्रोल है क्या उनके हाथ में, उनको एकदम नहीं पता कि अचानक उनके साथ क्या होगा। तो या जो घर में बैठे हैं, जो घर में बैठे हैं उनको पता नहीं है क्या कि अभी आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हम एक भी प्रेडिक्शन ऐसा नहीं कर सकते कि अभी आने वाले दिनों में हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे इस पैंडेमिक से, इस कोविड से। तो ये परसीव कंट्रोल का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हमको डेबिलिटेट कर रहा है, इस पर हमको जो है ध्यान देना होगा, यूजन रिसर्चर है, मेरा ख्याल है कि इस पर सोचेंगे। और तीसरा है कि चूंकि ये दोनों मिल करके हेल्पलेसनेस की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, और जाहिर है कि जहां हेल्पलेसनेस होता है, आप मार्टिन सेलिग्मैन का मॉडल देखिए, हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है, और डिप्रेशन, ऑब्वियसली आप डिप्रेशन फील करेंगे। तो ये तीन चीजें, जो एंग्जायटी डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें पर्टिकुलरली पैनिक जो रिएक्शंस हैं, और पर्टिकुलरली आप फाइट मोड में इस समय हैं, आप अपने साइकोलॉजिकल रिसोर्सेस लगातार यूज कर रहे हैं, और फिर मैं आता हूं तब स्ट्रेस पे। आप देखें हमारा, ठीक है स्ट्रेस हमारा डिपेंडेंट है कि हम कैसे अप्रेजल कर रहे हैं अपने सिचुएशन का, लेकिन ठीक है साहब, कोई भी आदमी जिस तरह से अभी हमारा मैडम बत्रा ने, या सर ने, अस्थाना सर ने, या इसके पहले के हमारे वक्ता सत्यगोपाल जी ने जो बातें कही कि स्ट्रेस तो होगा ही होगा। अभी तो मैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो अभी तब होगा जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, या कुछ लोगों में भी सिम्टम्स आ रहे होंगे, अभी वो उस पर वो वेल रिसर्च एरिया नहीं है ना, उस पर बहुत ज्यादा अभी मैंने सर्वे देखे हैं। PTSD तो आने वाले दिनों में इतना ज्यादा बढ़ेगा, मेरा अपना ये फोरकास्ट है कि उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जो स्ट्रेस है वो बढ़ा हुआ है, और उस स्ट्रेस में हम ये देख रहे हैं कि हम लगातार फाइट मोड में है, और हमारी जो क्रॉनिक डिजीज की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। और यहाँ पे मैं ये अभी बिल्कुल भी फोरकास्ट करने की कंडीशन में नहीं हूँ कि ये क्रॉनिक डिजीजेस के जो मैनिफेस्टेशंस होंगे, जो एक्सप्रेशंस होंगे, वो किस तरह से हमारे सामने आएंगे। आपको मैं बताऊंगी, ठीक है, ट्रेडिशनली बहुत लोग बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज के बारे में कि ठीक है साहब हाइपरटेंशन है, हम बहुत सारे जो है कार्डियक थोरेसिक प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन से संबंधित जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो जो है कार्डियक प्रॉब्लम हम डेवलप कर सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम या कार्डियक फेलियर की प्रॉब्लम वो जुड़ी हुई है वहाँ पे लोग हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये कॉमन है। मैं आपको एक ऐसे एरिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर अब इंडिया में जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ इसमें से कुछ एरिया में भी काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमको इधर सोचने की जरूरत है। और हाल में कुछ ऐसे एरिया है
जिस पर अभी बहुत कम साइटेशंस मैंने देखे हैं, तीन चार ही मैंने देखे हैं, लेकिन अब ये ग्रोइंग एरिया है इंडिया में कि क्रॉनिक डिजीजेस जब बढ़ेंगे तो शटल वे में वो सामने आएंगे। जो अभी तक जितने बड़े एरिया में काम हम करते रहे हैं, खासकर हम हाइपरटेंशन में और डायबिटीज में काम करते रहे हैं, और हेल्थ साइकोलॉजी वाले जो भी हमारे मित्र हैं वो इसको समझ रहे होंगे, जब क्रॉनिक डिजीजेज बढ़ेंगी तो वो क्या होंगी। मैं आपको कुछ न्यूअर एरिया जो है उसके बारे में संकेत करना चाहूंगा कि वो क्या हो सकती है। जैसे आर्थराइटिस, आप देखें अगर तीसरा सबसे बड़ा जो एरिया है वो आर्थराइटिस का है, और आर्थराइटिस के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि ये डिजेनरेटिव भी हो सकता है, और इसको ट्रिगर करने वाले जो फैक्टर है वो ऑटो इम्यून सिस्टम से जुड़े हो सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते कि एक्चुअली हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम और उसके रिस्पॉन्स का सीधा लेना देना स्ट्रेस से। अगर स्ट्रेस है तो और भी चीजें ठीक है जो दिख रही है वो दिख ही रही है, लेकिन ऑटो इम्यून सिस्टम में हमारे क्या बदलाव हुआ और ऑटो इम्यून सिस्टम में बदलाव होने के बाद हम उसको किस तरह से फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट करेंगे, ये बहुत सारे रिसर्चेज अभी होने बाकी है। हालांकि अभी अर्थराइटिस में काम हो रहे हैं और लोग अर्थराइटिस में काफी कुछ उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ न्यूअर एरियाज हैं जो अभी हाल में मैंने एक्सप्लोर किए हैं, हो सकता है मैंने किया है और मैं कर रहा हूँ, अभी इंडिया में बहुत कम मैं इसमें देखता हूँ। और मैं उधर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्रॉनिक डिजीजेज में एक खास तरह का एरिया है जिसको हम एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव डिजीजेज करते हैं, और ये बोथ फीमेल में भी जो फर्टिलिटी के एज में है, फर्टिलिटी वाले एज ग्रुप में है, फीमेल में भी और मेल में भी ये दोनों ही को अफेक्ट करता है। पर्टिकुलरली अगर हम रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम की बात करें तो फीमेल में बहुत ज़्यादा आजकल काम हो रहा है। आजकल बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक डिजीजेज हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, और जो एंडोक्राइन के माध्यम से उसमें जो लिंक है, जो बीच में हम कह सकते हैं वो जो मीडिएट कर रहा है, वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जो मीडिएट कर रहा है, और ऐसे मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहे हैं। अभी जब मैंने लोगों से बात करना, कुछ टेलीफोन करना, ये बहुत सिस्टमेटिक सर्वे नहीं था, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत साइंटिफिक विगरस मेथोडोलॉजी को यूज करके किया गया था, लेकिन मैंने जब बात करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों से जब मैंने इस पर बात करने शुरू किए तो मुझे लगा कि अब जो है लोग एक्चुअली इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट सिम्टम्स आर देयर। और मैं आपको अभी हाल के कुछ और रिसर्चेस की ओर मैं ये करना चाहूंगा कि विटामिन कितने फटल हो सकते हैं, ये हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे खान पान की आदतें और हमारे विटामिन इंटेक की जो आदतें हैं, ये हमको किस तरह से परेशानी में डाल सकते हैं। जैसे मैं दो तीन कल्प्रिट का नाम देना चाहूंगा, विटामिन के बारे में थायरॉक्सिन और उसके रोल की बात करना चाहूंगा। थायराइड ग्लैंड आजकल मैं समझ रहा हूं कि अगर हम अपने रिसर्च को शिफ्ट करें डायबिटीज से थायराइड ग्लैंड की ओर, तो हम पाएंगे कि ये एक बड़ा कल्प्रिट है। अभी हालांकि इसके जो मैनिफेस्टेशन से वो बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है मैं ये कहूँ कि उतना ज्यादा वेल सिस्टमेटिक प्लांट रिसर्चेज नहीं हो रहे हैं साइकोलॉजी में। ये मेडिकल वाले जो हमारे भाई हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है साहब ये हमारा एरिया है, इसमें साइकोलॉजी वाले क्या करेंगे, लेकिन अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट इसमें काम करें, थायराइड ग्लैंड और उसके डिफरेंट जो मैकेनिज्म है उसको लेकर के काम करें, और उसके साथ रिलेटेड दो और मैं फैक्टर बताना चाहूंगा जिस पर कि आगे आने वाले दिनों में जो सिम्टम्स के मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं जो मैंने कुछ सर्वे किया है, तो बहुत बड़ा जो कल्प्रिट है वो है विटामिन डी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। मेरे बहुत सारे मित्र जो इस बारे में नहीं जानते होंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये तीन चीजें अभी अगर हाल में आप हेल्थ साइकोलॉजी में अगर आप लिटरेचर को देखें, लेटेस्ट आप रिसेंट लिटरेचर को देखें, तो आप पाएंगे कि थायराइड, विटामिन डी और विटामिन 12 ये तीनों मिल करके, मैं तो ये कहता हूं कि ये डायबिटीज से ज्यादा बड़ी समस्या आने वाले दिनों में होने वाले हैं। और अगर आप इस तरह से सोचिए कि इस कोविड के दौरान ये मैनिफेस्टेशन जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, क्रॉनिक डिजीज की बात मैं कर रहा हूँ, तो कोविड के दौरान शायद अगर सटल वे में देखें तो ये ज्यादा परेशान करेंगे हमको अगर हम इस पर सर्वे और रिसर्च कंडक्ट करें तो। क्योंकि वेबिनार का एक ये भी ये मेजर पार्ट ये होता है, जब भी हम सेमिनार या वेबिनार में जुड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि फ्यूचर रिसर्चेज वो कितना जनरेट कर रहा है, और मैं इसी एस्पेक्ट पे थोड़ा ज्यादा मैं बोल रहा हूँ। तो ये मेरे एक आप कह सकते हैं कि जैसे मेरे कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस थे, और इस समय ऑब्जर्वेशंस ही हैं, आप एक डेटा आपके पास है नहीं, जो भी डेटा है हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं वही पा रहे हैं, और वो मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चनेयर बेस्ड है, तो बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन में हम डेटा लेकर के कहें कि नहीं हमारी फाइंडिंग है और हम कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं आपको बात करूं कि साहब जो रिव्यूज है इतने ओवरलैपिंग, मतलब जितने मैक्सिमम पेपर जो मैंने पढ़े तो देखा कि वो वर्ड्स के जार्गन है,
और अगर फाइंडिंग के लेवल पे देखें तो हम घूम फिर के इन्हीं तीनों पे आ रहे हैं, एंग्जायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तीन के अलावा जो है मुझे कुछ चौथा जो है बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब हम हेल्थ में जाते हैं कि वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा अपने आप को या कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो मैं पाता हूँ कि उसका जो मैनिफेस्टेशन का जो एरिया है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा है। और हम बीइंग साइकोलॉजिस्ट जो हम इसमें काम कर रहे हैं, हम इसको अपने फ्यूचर रिसर्च के रूप में ले सकते हैं, और फ्यूचर रिसर्च में जस्ट इमीडिएटली ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंतजार करेंगे कोविड खत्म हो और उसके बाद हम इस पर प्लान करें और सोचें और करें। मैं कहूंगा कि इस पर अभी प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि अब बहुत हो चुका। फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में जो भी सर्वे थे वो केवल सर्वे थे और केवल वो परसेंट में बात कर रहे हैं। अब साइकोलॉजी में हम लोग अगर कहें कि नहीं हम केवल परसेंट में बात करेंगे तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करें और फाइंडिंग्स कुछ कंक्लूजन के साथ आए, ये मेरी अपनी मेरा आग्रह है नए लोगों से कि वो इस तरह से करेंगे। अपने दूसरे पार्ट में मैं फिर थोड़ी काउंसलिंग पे बात करूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हम लोग जूझ रहे हैं खास परिस्थिति से। जैसा मैंने कहा कि हम फाइट मोड में हैं और हम उसको पे कर रहे हैं अपने फिजिकल हेल्थ के लेवल पे, साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं, हम उसको पे कर रहे हैं। क्या एक मेजर क्वेश्चन है कि हमारा अभी जो एग्जिस्टिंग जो बॉडी है काउंसलिंग का, जो नॉलेज है और जो हमारे पास जो भी हमारे काउंसलिंग के टेक्निक्स हैं, ये सभी कभी इस तरह के सिचुएशन के लिए डेवलप नहीं किए गए, न ही इस तरह के एक्सपीरियंसेस थे। जो भी डेवलप हुए हैं वो डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस में, डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिकल सिचुएशंस के लिए डिवाइस किए गए थे। एक बड़ा क्वेश्चन है उनकी वैलिडिटी का। हम जैसे आते हैं और हम कहते हैं कि हम इस तरह से हमें करना चाहिए, ये सही है। एक बड़ा क्वेश्चन है वैलिडिटी का कि ये अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे मॉडल हैं, या हम कहें कि जो अभी हमारे काउंसलिंग के टेक्निक्स हैं, एटीट्यूड कहें आप इनको, या इनको आप माइक्रो स्किल्स कहें, आप जिस भी लेवल पे इसको लेना चाहते हैं, वो कितने वैलिड होंगे, कितने काम के होंगे हमारे, जब हम रियल फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे और काउंसलिंग करना शुरू करेंगे टेलीफोन के अलावा, वो कितने काम के होंगे? क्या ये उस समय भी उतने ही वैलिड होंगे, हम इसमें बिलीव करें? मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, हम बिलीव करें क्योंकि हमारे पास यही है, तो जो हमारे पास है हम उसमें बिलीव करें कि हम ठीक है, इसे हम काम करेंगे, अपना लड़ेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमको ऐसे स्टडीज भी प्लान करने की जरूरत है जो हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग टेक्निक्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग एटीट्यूड हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, हम इनको भी टेस्ट करें कि ये इतने वैलिड, ये वैलिड है भी कि नहीं। तो ये दो चीजें थी जिन पर मैं फोकस करना चाहता था। ये दो चीजें हैं जिन पर मैं फोकस करना चाहता था इस वेबिनार में। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं यंग रिसर्चर है या जो काम करने को इच्छुक है वो प्लान करें और इस तरह से सोचें। काउंसलिंग के फ्रंट पर भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि जो हमारे मॉडल्स हैं वो कितने काम कर रहे हैं, उनकी एफिकेसी को हम टेस्ट कर सकते हैं प्लान करके और मॉडल डेवलप कर सकते हैं, या हम स्पेसिफिक मॉडल डेवलप कर सकते हैं कि ठीक है साहब, इस तरह की सिचुएशन के लिए पहली बार सिचुएशन है तो हम जो इस तरह से इसे लड़ेंगे, ये हमारे एक्सपीरियंसेस है। तो केवल हमको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ही नहीं, जो हमारे पास है उसे लड़ने के जो मॉडल्स हैं और जो हमारे तरीके हैं, हमको उनको भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली यही जो हमारा वेपन है वो काम करेगा भी कि नहीं करेगा। हम कह सकते हैं, बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ठीक है भाई, हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक है, हम उनको अप्लाई करेंगे, हम रोजेरियन मॉडल में जाएंगे, उन टेक्निक्स को माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे, या हमारे पास ग्रुप थेरेपी के डिफरेंट जो सेंसिटाइजेशन के और अदर जो ग्रुप के अदर जो हमारे काम करेंगे यूज करेंगे, लेकिन वो कितना फंक्शनल होंगी, हम अभी बहुत विश्वास से ये नहीं कह सकते कि वो सभी हमारे काउंसलिंग स्किल्स उतने ही फंक्शनल होंगे जो अभी दूसरी समस्याओं में रहे हैं। ये रिसर्च का विषय है तो ये दूसरा एरिया है। तो ये दो बातें हैं, दो एरिया है जिसमें मैं अपनी बातें कहना चाहता था, और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, इसलिए कि मैं अपनी बातें यहीं खत्म करूं, ताकि जो चीजें मैंने बताई हैं उस पर कुछ विचार हो और सार्थक रूप से कुछ अगर नए रिसर्चें जाए। मैं कर रहा हूँ, मैं ये कहूँ कि इसमें बहुत सारी चीजों पर मैंने प्लान किया है, हम लोगों ने भी अभी डेवलप भी कर रहे हैं टूल्स, और आगे आने वाले दिनों में हम लोग उसको लॉन्च भी करेंगे और बाद में भी हम करेंगे। मैं कंटिन्यूसली लगा हुआ हूँ जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात की है। मैं इन्वाइट करता हूँ अपने नए रिसर्चर्स से, अपने नए फैकल्टी से, कि वो इस बारे में सोचे। ये नए वेन्यूज हैं, नए तरह के चैलेंजेज हैं, नए तरह के हमारे सामने मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, आप उसको देखें, इन्वेस्टिगेट करें और एरिया को रीच करें। साइकोलॉजी जो है
उस नॉलेज को, उस बॉडी को आप रीच करें। इसके माध्यम से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं संता कॉलेज को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी लोगों को जो मुझे सुन रहे थे मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। ड्यू टू द टाइम कॉन्स्टेंट्स वी आर नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस सेशन। इफ देयर इज एनी क्वेरी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे कैन आस्क देयर क्वेरी on the Facebook BCPA page. I would like to express my profound gratitude to you, sir. Your talk helped us to understand how traumatizing and stressful this pandemic can be, has brought challenges for everyone. Sir, you open the new avenues for new budding psychologists and researchers. They can do the future research in many areas. You also focus on the new diseases which are arising in future, like the typhoid, B12, and vitamin B deficiencies. All these budding psychologists in future focus on these issues and can do some research in these areas.